नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त बता रहा हूं कि बिहार की सियासत गर्म है। मेवालाल के इस्तीफे पर बिहार की सियासत खासी गर्म हो चुकी है। तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को लगातार घेर रहे हैं और नीतीश सरकार को उन्होंने कह भी दिया है कि छोड़ेंगे भी नहीं, एक इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। नीतीश जी, असली दोषी तो आप हैं। तो सरकार घिरती दिख रही है मेवालाल चौधरी के मामले में, इस्तीफा देने के पहले और अब इस्तीफे देने के बाद भी नीतीश सरकार बच नहीं पा रही है। इस बीच नीतीश कुमार के एक खासम खास शख्स ने कमान संभाल लिया है और नीतीश सरकार के बचाव में उतर गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, नीतीश सरकार के खासम खास ने अब नीतीश सरकार के बचाव में तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोल दिया है। और ये शख्स कोई और नहीं, आप समझ भी गए होंगे, नीतीश कुमार के पहले जो पुराने डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार के खासम खास डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। नीतीश सरकार की बचाव में सुशील मोदी खुद अब उतर रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं नीतीश सरकार के। लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और नीतीश कुमार के सरकार का हमेशा बचाव करते रहे हैं। खासकर लालू यादव के परिवार पर तो सुशील मोदी खासे आक्रामक रहे हैं। लगातार लालू परिवार के अंदर की खबरें, अंदर के घोटाले वो उजागर करते रहे हैं। तो एक बार फिर तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोल दिया है। तमाम मेवालाल प्रकरण के बीच, मेवालाल के इस्तीफे के प्रकरण के बीच सुशील मोदी ने साफ कह दिया है, तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांग दिया है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव को एक डर भी दिखा दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ट्वीट में, हम पहले ये बताते हैं। सुशील मोदी ने कहा है तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार्ज शीटेड हैं बल्कि जमानत पर हैं। कोविड के कारण ट्रायल रुका हुआ था, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। तो सुशील मोदी ने बड़ी बात कह दी है, बड़ा डर दिखा दिया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जिस तरह से आक्रामक है नीतीश सरकार पर और जिस तरह से चुनाव के बाद जो है, जिस तरह से जो महागठबंधन की सीटें कम हो गई थी, कुछ थोड़ा सा फासला रह गया था सरकार बनाने में, तो उसके बाद जो है उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव आक्रामक है, सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। और मेवालाल प्रकरण में तो उन्होंने जबरदस्त तौर पर घेराबंदी कर दी थी सरकार की। तो अब सुशील मोदी सामने आ गए एक बार फिर से नीतीश कुमार के बचाव में और उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि तेजस्वी यादव जी, आप इस्तीफा दे दीजिए क्योंकि आप भी चार्ज शीटेड है, भ्रष्टाचार के मामले आप पर भी है, IRCTC घोटाले में आप चार्ज शीटेड है बल्कि जमानत पर है, आप ट्रायल रुका हुआ है, वो तो कोविड-19 का संकट है इसीलिए ट्रायल रुका हुआ है, किसी भी दिन चालू हो सकता है। तो सुशील मोदी ने इशारों में बड़ी बात भी कह दी है, नीतीश सरकार का बचाव भी किया है। तो सुशील मोदी जो लालू परिवार की नस नस जानते हैं, घोटालों को उजागर करते रहे हैं, एक बार फिर नीतीश सरकार के लिए ढाल बन के खड़े हो गए हैं और बड़ा हमला तेजस्वी यादव पर बोल दिया है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।